वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। पंजाब असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई है। गवर्नर असेंबली तहलील नहीं करते तो 48 घंटे में असेंबली खुद तहलील हो जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज को खत लिखकर अबूरी हुकूमत बनाने का कहा जाएगा। मुस्लिम लीग का परवेज इलाही मोनिस इलाही का शुक्रिया अदा करते हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पंजाब और KPK में इंतखाबात होने जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को अपने बिल से बाहर आना चाहिए। स्पीकर को भी कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल करें। इससे कबल इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI के इजलास में फौरी असेंबली तोड़ने पर इत्तफाक किया गया। इजलास के शुरका ने राय दी थी कि पंजाब असेंबली तोड़ने में देर नहीं होनी चाहिए। वाज़ह है कि इससे कबल परवेज इलाही और काफ लीग के अरकान की कल रात की गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। अंदरूनी कहानी के मुताबिक काफ लीग अरकान ने परवेज इलाही को असेंबली ना तोड़ने की यकीन दहानी पर इत्माद का वोट दिया था। काफ लीग अरकान का कहना था कि हम इत्माद का वोट दें, आप असेंबली तोड़ दें, ये तो ठीक नहीं। काफ लीग अरकान ने वोट देने से पहले परवेज इलाही से असेंबली ना तोड़ने का वादा लिया था। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मैं हूं कमिश्नर इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट।